रिवॉल्वर ले ले हुए था, हमको कहा कि तुम हिलो नहीं, गल्ला उठाओ, गल्ला उठा के लेके चले। डेढ़ महीना पहले भी बैकटपुर में दिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है, आज तक पता नहीं चला कि कौन सा चोर ऐसा गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन खुशरूपुर का मौन है, कोई देखने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं केवल रविवार की देर शाम करीब 6:30 बजे थाना क्षेत्र के बांसटाल चौराहा स्थित 3 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर भोलानाथ ट्रेडिंग के गला व्यवसायी पप्पू कुमार के गद्दी से लुटेरों ने गला उठा ले भागा। इस दौरान एक लुटेरे ने फायरिंग दुकान के बाहर से की, जिसमें गोली दीवार पर लगी। गला व्यवसायी बाल बाल बचे और दूसरे गोली लुटेरे भागने के क्रम में बाहर हवाई फायरिंग की। इस घटना की सूचना पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को तुरंत दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस सदबल के साथ तुरंत पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस गद्दी में लगे सीसीटीवी कैमरे व आसपास के कैमरों को खंगाल रही है। पीड़ित गला व्यवसायी पप्पू कुमार ने बताया कि देर शाम हम और मुंशी मनीष कुमार हिसाब मिला रहे थे, तभी दो लोग दुकान के अंदर घुसे। दोनों के हाथ में पिस्टल था, जिसमें एक ने बाहर से फायरिंग किया जो गोली दीवार में टंगी तस्वीर में लगी और बाल बाल बच गए, और एक हमें गन पॉइंट पे ले लिया और गला उठा कर ले भागा। गला में करीब 40,000 रुपया खाता वही और चेकबुक था। लुटेरे काले रंग के पल्सर बाइक से आए थे और 3 की संख्या में थे, और लूट के घटना को अंजाम दे पुरानी NH सड़क हाईवे के रास्ते बख्तियारपुर की तरफ भागते दिखे। देर शाम सरेआम हुई इस घटना के मौके पर अफरा तफरी मच गया। इस घटना के बाद यहाँ के तमाम व्यवसायी में डर व दहशत का माहौल है। देखिए पूरा रिपोर्ट में कि 30-40 हज़ार के आसपास रुपए होंगे लूट लिए जाने के बाद प्रकाश में आई। इस घटना के सूचना मिलते ही सत्यापन में और आवश्यक कार्रवाई में थानाध्यक्ष खुशरूपुर की टीम CCTV का अवलोकन की है। इसमें कांड दर्ज किया गया है और तीव्र गति से अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है। सर बोला गया कि फायरिंग भी हुआ। हाँ, फायरिंग हुई है, इसमें एक पिलेट मिला है, इसकी भी जांच चल रही है। सर आई दिन खुशरूपुर थाना अंतर्गत बाइक चोरी लूट की घटना हमेशा होती रहती है, सर यह अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खुशरूपुर थाना एक महत्वपूर्ण बिजनेस सेंटर है और ये बड़ा बाजार है, इसमें घटना होती रहती है। इसके बाद जो है पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, और हम लोग विभिन्न घटनाओं में देखे हैं कि पुलिस की कार्रवाई त्वरित गति से हुई है, अपराधियों की पहचान हुई है, पकड़ हुई है, काफ़ी लोग जेल में हैं, लेकिन कुछ अपराधी तत्व जो छूटे हुए हैं उनकी हम लोग पहचान करके, और जो भी हाल ही में घटना हुई है उन सब पर हम लोग की निगरानी बनी हुई है। लगातार हम लोग इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभियुक्त को हम लोग लगातार निगरानी करके कार्रवाई करके पकड़ेंगे। आज कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं? आज अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसमें छापेमारी चल रही है। सर पीड़ित का कहना है कि कुछ रेलवे में भी आता है सर खुशरूपुर, तो हम एप्लीकेशन कहाँ दें और FIR कहाँ करें? रेलवे के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं आप लोगों को मालूम है कि GRP में केस होगा, और जो रेलवे के अंतर्गत नहीं आते जो हमारे थाना क्षेत्र में आते तो हमारे यहाँ केस होगा, हम लोग करवाते रहते हैं केस इनमें। सर वाहन चेकिंग सर बहुत दिन पहले लगा दो सर, अभी वाहन चेकिंग का लगातार हम लोग निर्देश देते रहते हैं और देखे हैं कि इसमें वाहन चेकिंग प्रारंभ हुआ है, अब इसमें हम लोग तीव्र गति से वाहन चेकिंग और लगातार वाहन चेकिंग करवाएंगे। सर यहाँ पे जो टेम्पो स्टैंड बनाया गया सर उस पर क्या जांच है? टेम्पो स्टैंड को मैं भौतिक निरीक्षण अभी नहीं किया हूँ, कल हम लोग देखते हैं भौतिक निरीक्षण करते हैं और टेम्पो स्टैंड के विषय में क्या क्या है गतिविधि उस पर हम नज़र रखेंगे। अपना परिचय देंगे? मैं फतुहा अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी हूँ, SDPO फतुहा।